ऑनलाइन गेमिंग ऐप, जितने भी ऑनलाइन आज तक गेम बने हैं उन सभी गेमों का लुफ्त आप इस ऐप से उठा सकते हैं। gpantindia.com। साइन अप करने पर आपको ₹500 का बोनस दिया जाएगा। gpantindia.com, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेमिंग ऐप। तो ओपनर मैदान पर पहुंच चुके हैं और फील्ड धीरे धीरे सस्ती हुई। मिस्टर राजील, फील्ड सच चुकी है। सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज तलहा खान और नॉन स्ट्राइक पर ड्राइव कर दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन और पहली गेंद पे पहला चौका तलहा के बल्ले से निकलता हुआ। कल भी देखा गया था कि पहली गेंद फेस की थी, पहली गेंद पे चौका मारा था, सेम सिचुएशन में सेम शॉट, गजब की बल्लेबाजी। मनसा साहब जाहिर होती हुई बढ़िया गेंद, कुछ समझ नहीं पाए, जांचा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में पहली डॉट बॉल। फुल लेंथ की गेंद, बैट का बाहरी किनारा, थर्ड मैन एरिया की तरफ गेंद गई, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज तलहा खान को। थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मनोहर और सामना करेंगे सैफ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। आज अपनी टीम को कहां तक ले जा पाते ये देखना होगा। और कुछ व्यवधान होने के पश्चात एक बार फिर से मैच स्टार्ट होता हुआ। मनोहर कुमार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, सैफ
बैट का बाहरी किनारा थर्ड मैन एरिया की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक और डॉट बॉल। मनोहर हल्के से खेल दिया, कलाइयों के सहारे से मात्र एक रन। सिली पॉइंट पर लगे खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फीड की जाती, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। मनोहर कुमार तलहा खान के लिए, स्वीप कर दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद और बड़े आसानी से गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे तलहा खान को। छोर बदला अपना तलहा खान ने, gpantindia.com ऑनलाइन गेमिंग ऐप। सतीश पासवान आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर लेकर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे पहली बार तलहा खान। बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, एक और डॉट बॉल। मारना चाह रहे थे लेकिन पूरी चूके वहां पर। सतीश पासवान ट्रैक पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा चारण, एक और चौका निकलता हुआ बल्लेबाज तलहा खान के बल्ले से। पूरी तरह लय में दिख रहे हैं इस टूर्नामेंट में कप्तान के भरोसे को कायम रखते हुए। सतीश पासवान सामना करेंगे सैफ, मारना चाहते थे तलहा खान लेकिन चूके, एक और डॉट बॉल। पुनः बॉलिंग रन अप पता यार, हल्के से खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद और तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता मात्र एक रन। सतीश सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सैफ, ये गेंद हल्के से खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र एक रन। फिर से बॉलिंग रन अप तैयार, और सामना करेंगे तलहा खान, पटकी गेंद पुल करना चाहते थे।
लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ जितना वो चाह रहे थे। ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति पर 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर मनोहर कुमार आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर। बैकफुट पर जाकर पत्ते कर दिया खिलाड़ी मौजूद, रनआउट का चांस हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट लगती तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। मनोहर पुनः बॉलिंग रहना पता यार, ये गेंद सीधे ड्राइव किया खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक और डॉट बॉल। बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा 4 रन। पहला चौका निकलता हुआ सैफ के बल्ले से। हल्के से खेल दिया, पॉइंट पर लगे खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, मात्र 1 रन। मनोहर ये गेंद हल्के से खेल दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन। छोड़ बदला अपना तलहा खान ने। ये गेंद सीधे खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जी पंत इंडिया के खिलाड़ी सुमित सिंह हमारे बीच आ चुके हैं, हम कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और निवेदन है कि वो अपनी सीट यहां पर ग्रहण करें आकर कमेंट्री बॉक्स में। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर 22 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम डायमंड। जैसा नाम वैसा काम अभी तक कर पाने में सक्षम है दोनों बल्लेबाज, चाहे बात करें तलहा खान की और चाहे मोहम्मद सैफ की। और एक ड्राइव किया है वहां पर स्टोक्स मौजूद,
लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे सैफ को, मात्र एक रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट, डायरेक्ट हिट लगती तो मौका बन सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित, मात्र एक रन। सतीश पासवान अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का चौथा ओवर। कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे थर्ड मैन एरिया की तरफ से, लेकिन पूरी तरह चूके, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल, जी पंत इंडिया टीम के कप्तान अमन राज जी हमारे बीच आ चुके हैं। हम अपनी कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। फुल लेंथ की गेंद, बैट का बाहरी किनारा और विकेट का पतन। निश्चित तौर पर खराब शॉट का चयन कहा जाएगा, और एक बहुत बड़ा विकेट सैफ के रूप में गिरता हुआ यहां पर, बहुत ही बड़ा झटका कहा जाएगा। राहत की सांस यहां पर ली होगी बीबीएस के खिलाड़ियों। क्या गजब की गेंदबाजी, सतीश पासवान को मिलने वाली ये पहली सफलता और टीम को मिलने वाली ये पहली सफलता। अब उनका स्थान लेने के लिए गए हैं मुकेश यादव, राइट हैंड बल्लेबाज है, छोटे कद के खिलाड़ी। सतीश पासवान सामना करेंगे मुकेश यादव, क्या कर दिखाते पाते हैं अपनी टीम के लिए यह देखना होगा। सतीश पासवान और सामना करेंगे मुकेश यादव। फुल लेंथ की गेंद, बैट का बाहरी किनारा। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करें, मात्र एक रन लेने का मौका। फिर से डायरेक्ट गेंद, फायदा उठाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का इशारा चारण, डीप मिड विकेट की तरफ से गनगनाता चौका, उछलता हुआ स्कोर। चार ओवर की समाप्ति पर 29 रन एक विकेट के नुकसान पर टीम डायमंड। करंट रन रेट की बात करें तो 7.25 रन प्रति ओवर की दर से, और बॉलिंग में परिवर्तन देखने को मिला है बीबीएस की ओर से। छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, वन बाउंस का इशारा आया है एम्पायर नमन के द्वारा। फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ।
जितना वो चाह रहे थे, लेकिन एक रनों से नहीं रोक पाएंगे वहां खिलाड़ी। फिर से पटकी गेंद, बैट का बाहरी किनारा। हल्की सी अपील हुई थी, माफ करिएगा। लगातार बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से छकाया, काफी निराश होंगे तलहा खान। एक अच्छे खिलाड़ी हैं, धैर्य के साथ खेलना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को अगर एक अच्छा टोटल देना है तो। और ब्लॉक खोल पर डाली हुई गेंद को समझ नहीं पाया और क्लीन बोर्ड। एक और बड़ा झटका तलहा खान के रूप में लगता हुआ। क्या गजब की गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ करें इस गेंदबाज की उतनी कम। हड़बड़ाहट साफ झलकती हुई और नतीजा आया कि अपना समर्पण करते हुए तलहा खान जी। एक छोटी सी पारी का अंत होता हुआ। तो न्यू बल्लेबाज के रूप में आए हैं चक्रधर तलहा खान का स्थान लेने के लिए। एक वापसी यहां पर की है बीबीएस के गेंदबाजों ने। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं चक्रधर। मनीष यादव गेंदबाजी के लिए तैयार। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और उतना अच्छा शॉट, पॉइंट पर ढकेल कर एक रन पूरा किया। खाता खोला अपना एक रनों से चक्रधर ने। उछलता हुआ स्कोर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया ड्राइव किया है खिलाड़ी, वहां पर मौजूद रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन आसानी से दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम डायमंड। गोरखपुर टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023 के पहले संस्करण के चौथे दिन का पहला लीग मैच सीधा आंखों देखा हाल अभयदाता इंटर कॉलेज असुरन से। tenniscricket.in पर आप लाइव देख सकते हैं। रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। एक और डॉट बॉल, सतीश पासवान अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का छठवां ओवर लेकर मुकेश यादव के लिए। डायरेक्ट गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। एक और डॉट बॉल, कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें नजर आती हुई अब
बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट खिलाड़ी के पास से दूर गेंद सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का इशारा चार रन। गजब की बल्लेबाजी, डीप मिड विकेट के बगल से निकलता हुआ गनगनाता चौका। सतीश पासवान सामना करेंगे मुकेश यादव। लेग साइड पर खेल दिया है खिलाड़ी के पास, कोई मौका नहीं गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका, गजब की बल्लेबाजी पूरी तरह लय में दिखते हुए मुकेश यादव जी। सतीश पासवान पुलन लेन की गेंद सीधा खेल दिया, आपको से टकरा कर गेंद गई लॉन्ग ऑफ पे, खिलाड़ी को बीट करती हुई। एक और चौका, क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पर बैटिंग कर रहे हैं मुकेश यादव। जितनी भी तारीफ करें उतनी कम, बैक फुट पर डाल दिया यहां बीबीएस के गेंदबाज के। हल्की सी छोटी गेंद थी, लेग साइड पर घुमाना चाह रहे थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे यहां पर बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम डायमंड। जी पंत india.com इस ऐप को आप कैसे भूल सकते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेमिंग ऐप। आप किसी भी ऑनलाइन गेम का चयन इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जी पंत india.com। साइन अप करने पर आपको ₹500 का बोनस दिया जाएगा, इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं। मनीष यादव आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का सातवां ओवर लेकर। छोटी गेंद थी, लेग साइड पर खेल दिया खिलाड़ी के पहुंच से दूर, गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन। क्या गजब क्या शॉट दिखा है मुकेश यादव के बल्ले से, केवल चौकों में तब्दील यहां पर कर रहे हैं। अभी तक चौके लगा चुके हैं अपने इस पारी में। बढ़िया गेंद हल्के से कलाइयों के सहारे से मोड़ दिया है, तब तक कीपर आकर गेंद को फील्ड करे, मात्र एक रन लेने का मौका। छोर बदला अपना मुकेश यादव ने। .2 ओवर की समाप्ति पर 50 रन टीम डायमंड। मनीष यादव फुलर लेन की गेंद हल्के से ड्राइव कर दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, मात्र एक रन लेने का मौका। बहुत ही बेहतरीन शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। लॉन्ग ऑफ पर लगे खिलाड़ी के द्वारा, क्या गजब की फील्डिंग, कम से कम 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। थोड़ा सा दिशा से भटके, व्हाइट बॉल का इशारा। एम्पायर अविनाश साहनी के द्वारा फुलर लेन की गेंद, लेकिन शानदार प्लेसमेंट, तब तक मिड विकेट के खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, मात्र एक रन लेने का मौका।
आगे चलो। अरे शॉट, बेहतरीन शॉट, रन आउट का चांस हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट लगती तो, लेकिन आसानी से पहुंचते हुए। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर 55 रन और 2 विकेट। म्यूजिक ऑन की जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुणाल एंड कंपनी को, जिनके माध्यम से हम कहीं पर भी मैच आसानी से और सुगमता से देख सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र से चल के आए हैं। मैं अपनी कमेटी की तरफ से कुणाल एंड कंपनी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। फुलर लेन की गेंद ड्राइव किया है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, एक और चौका मुकेश यादव के बल्ले से। प्रदीप आए हैं, राइट हैंड फास्ट बॉलर है, अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 8वां ओवर लेकर, माफ करिएगा, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। फुलर लेन की गेंद ड्राइव किया है, बॉलर के हाथों से टकराकर गेंद गई लॉन्ग ऑफ पर, लगे खिलाड़ी के हाथ में मात्र 1 रन। तारीफ करनी होगी मुकेश यादव की, क्या गजब का शॉट सिलेक्शन यहां पर दिखाई। गेंद हवा में गेंद था, लेकिन खिलाड़ी के एक कदम आगे, हेलो प्रदीप, मुकेश के लिए ये गेंद, बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं, एक और डॉट बॉल। और ये गेंद सीधे खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर, लगे खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन और 50 रनों की साझेदारी यहां पर होती हुई। और ये साथ एक और चौका, मानो चौकों की झड़ी लगा दी है यहां पर, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। नाम है मुकेश यादव। क्या गजब का शॉट सिलेक्शन देखने को मिल रहा है मैदान के चारों ओर, शानदार बल्लेबाजी, छोटे फॉर्मेट का बड़ा खिलाड़ी, नाम है सचिन यादव। चिंताएं साफ झलक रही हैं बीबीएस के खिलाड़ियों के चेहरे पर, अगर मैच में वापसी करनी है तो मुकेश का विकेट लेना होगा। आठ ओवर की समाप्ति पर 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम डायमंड।
एक और गेंदबाजी में परिवर्तन। छोटी गेंद थी, मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल, दिशा से थोड़ा भटक गए और वन बाउंस का इशारा भी आया है। गजब की एम्पायरिंग देखने को मिली है पूरे टूर्नामेंट में। छोटी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर पुल करना चाहते थे, क्या गजब की फील्डिंग, मात्र एक रन। मनीष यादव अपने कोटे का अंतिम मोहर, पारी का नौवां ओवर लेकर मुकेश यादव के लिए लेग साइड पर खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद था लेकिन खिलाड़ी के एक कदम आगे गेंद की, वरना एक मौका बन सकता था, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मुकेश यादव को। 19 गेंदों पर 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, 13 रन दूर अपने अर्धशतक से। बैट का बाहरी किनारा, थर्ड मैन एरिया की तरफ खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र एक रन। अब स्ट्राइक पर मुकेश यादव, मात्र 13 रन दूर अपने अर्धशतक से। मनीष यादव सीधे ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, थ्रो अगर डायरेक्ट लगता तो निश्चित तौर पर वापस जाना पड़ सकता था, लेकिन आसानी से पहुंचते हुए मनीष यादव पुनः बॉलिंग रन पर तैयार। चक्रधर के लिए अगेन हल्की सी अपील और डायरेक्ट थ्रो, लेकिन आसानी से पहुंच चुके हैं अपने क्रीज पर। मात्र एक रन और 38 रन मैदान में खेल रहे हैं मुकेश यादव। बढ़िया ड्राइव, क्या गजब की ड्राइव, शानदार दिख रहा है कि बैट पर पूरी तरह मिडिल यहां पर कर रहे हैं, पूरी तरह लय में यहां पर मुकेश यादव। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर, विकेटों को यहां पर तरसा दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने, काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है जब तक मुकेश यादव और चक्रधर मैदान पर मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हल्की सी मिस फील्डिंग, एक रन पूरा किया और यहां पर मिस फील्डिंग, गेंद सीमा के पार 4 रन, क्या गजब का शॉट सिलेक्शन, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। नाम है मुकेश यादव, बैट का बाहरी किनारा, एक रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज मुकेश यादव को। चौवालीस रन बनाकर खेल रहे हैं मुकेश यादव, पटकी गेंद बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र एक रन। अब स्ट्राइक पर होंगे मुकेश यादव, मात्र 6 रन दूर अपने अर्धशतक से, क्या अर्धशतक लगा पाएंगे देखना होगा।
निकल कर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ, एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, आना आना और आसानी से दूसरा रन भी पूरा किया। क्या गजब की रनिंग द बिटवीन देखने को मिली है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, सराहना करनी होगी। अंतिम दो गेंदे शेष, ये गेंद लेग साइड पर खेल दिया खिलाड़ी के पहुंच से दूर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन और इसी के साथ यहां पर अर्धशतक लगाते हुए 50 रन 25 गेंदों का सामना किया है न शानदार चौके की मदद से। क्या गजब की बल्लेबाजी, छोटे फॉर्मेट का बड़ा खिलाड़ी और दर्शक भी उनका स्वागत करते हुए, शानदार बल्लेबाजी पूरी तरह लय में दिखते हुए, बैट का बाहरी किनारा, ओवर की समाप्ति, लेग बाई का इशारा आया है एम्पायर नमन के द्वारा। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 89 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की बल्लेबाजी मुकेश यादव और चक्रधर की, म्यूजिक ऑन किया जाए डीजे मास्टर। और हमारे बीच आफताब भैया मैदान पर आ चुके हैं, कमेटी उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करती है। डीजे बजाया जाए, भैया नमस्ते।
लिंक भेजी अभी बोली लिंक भेजी गोरखपुर तो मुलायम आए हैं। अरे देख ली गाइस 4 लाख और मनसा साफ जाहिर कर दी गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। मुलायम बेहतरीन शॉट और बेहतरीन फील्डिंग, क्या गजब की फील्डिंग यहां पर, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम। नाम है चक्रधर, कम से कम 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए, सराहना करनी होगी चक्रधर की। मुलायम फुलर लेन की गेंद हल्के से ड्राइव कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन। नाम है मुलायम, जो करते हैं सबको घायल, जिनका जलवा है कायम, नाम है मुलायम। और मानना चाहते थे लेकिन दिशा से थोड़ा भटके व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर अविनाश सहनी के द्वारा। ये गेंद उठा दिया और सीधे बाहर मार बैठे, विकेट का पतन होता हुआ यहां पर पहला झटका लगता हुआ, 440 शॉट का झटका, बहुत बड़ा विकेट। म्यूजिक बजाई जाए, मैं कह ही रहा था कि जिनके जलवा है कायम, नाम है मुलायम, और जो विकेटों की खुराक थी वो वहां पर प्राप्त की। मुलायम बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, एम्पायर का इशारा 4 रन। सानू चौके से खाता खोलते हुए, इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी खासकर इन दोनों बल्लेबाजों को। एक अच्छा टोटल है सामने, अगर उस टोटल को हासिल करना चाहते हैं तो। बैट का बाहरी किनारा, गली पर निकाल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन। ओवर की समाप्ति, एक ओवर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 1-1 और 1 विकेट और 1 ओवर। तो देखते हैं कौन गेंदबाजी की जिम्मेदारी को संभालता। जी हां, मुकेश यादव, गजब की बल्लेबाजी करी है, आज का दिन इनके नाम रहा है। फुलर लेन की गेंद थी, हल्के से ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता मात्र 1 रन लेने का मौका। मुकेश विकास चतुर्वेदी के लिए काफी बड़ी जिम्मे के दारी के तहत बल्लेबाजी करते हुए स्वीप कर दिया है, खिलाड़ी के पहुंच से दूर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा 4 रन।
क्या गजब की बल्लेबाजी। जितनी भी तारीफ करे उतनी कम। बहुत ही शानदार गेंद और शानदार सम्मान। मुकेश हल्के से टैप कर दिया, रन लेना चाहते थे लेकिन सानू ने मना किया। डायरेक्ट थ्रो, खतरा बन सकता है यार, थर्ड एम्पायर को रिफर किया गया। अगर यह विकेट यहां पर प्राप्त हो जाता है तो निश्चित तौर पर बड़ा खतरा होगा। थर्ड एम्पायर को रिफर किया गया। थोड़ा सा वेट कर लीजिए बल्लेबाज। कीप रोलिंग। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। विकेट का पतन। और बहुत बड़ा विकेट विकास चतुर्वेदी के रूप में। ड्राइव करना चाहते थे स्टोक्स। विटोरी क्या कर दिखा पाते हैं अपनी टीम के लिए। मुकेश यादव आज का दिन उनके नाम। क्या गजब की बल्लेबाजी की है। जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। नाम है मुकेश यादव। फुलर लेंथ की गेंद ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक मुलायम गेंद को फीड करे मात्र एक रन लेने का मौका। ओवर की समाप्ति। दो ओवर 17 रन और दो महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर टीम बीबीएस gpantidia.com ऑनलाइन गेमिंग ऐप
आप इस गेम का मजा बड़े आसानी और सुगमता से उठा सकते हैं। साइन अप करने पर आपको 500 रुपए का बोनस, इससे अच्छा कहां मौका मिलेगा। विटोरी, पूरी जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर, कहां तक ढो पाते हैं देखना होगा, अपनी टीम को कहां तक ले जा पाते हैं। पुलन लेन की गेंद थी, हल्की सी अपील, एम्पायर ने नकारा, मात्र एक रन। लेग बाई का इशारा एम्पायर अविनाश साहनी का द्वारा। मुलायम आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और पारी का तीसरा ओवर लेकर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे उनका सानू। छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, उतना अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ जितना वो चाहते थे। और यहां पर मिस फील्डिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मुलायम, छोटी गेंद थी, खेल दिया है गेंद सीमा रेखा की तरफ, खिलाड़ी सैफ मौजूद, मात्र 1 रन। इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा अगर उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो, टीम की नैया को अगर पार लगाना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को पूरे मैच में बने रहना होगा। मुलायम विटोरी के लिए उठा दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन। छोड़ बदला अपना विटोरी ने, तीसरा ओवर प्रगत पर। जिनका जलवा है कायम, नाम है मुलायम। छोटी गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया और दुधिया रोशनी में नहाता हुआ मैदान। सीधे ड्राइव किया और सीधे हाथों में, यहां पर मुलायम के हाथों में दे बैठे एक आसान सा कैच, बॉलर थ्रो में स्वयं ने कैच को लपक बैठे और बहुत बड़ा विकेट सानू के रूप में लगता हुआ ये 440 ओट का झटका। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। तीन ओवर की समाप्ति पर 24 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर टीम बीबीएस 42 गेंदों पर 66 रन बनाने हैं। टीम बीबीएस को अगर ये मैच जीतना है तो, अगर ये मैच में बने रहना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा। विटोरी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, टीम की नैया को कहां तक पार लगा पाते हैं देखना होगा। तो मुकेश यादव आए हैं, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विटोरी। मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, एक और डॉट बॉल।
मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल। हल्के से टैप कर दिया, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज विटोरी को। मुकेश यादव फुलर लेंथ की गेंद थी, सीधे ड्राइव किया था लेकिन मुकेश यादव के बगल से गेंद चली जाए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है क्योंकि आज का दिन उनके नाम रहा है। बढ़िया गेंद, बढ़िया चतुराई भरी गेंदबाजी और जितनी अच्छी गेंदबाजी उतने ही शानदार प्लेसमेंट देखने को मिला है। एक रन के लिए छोर बदला अपना बल्लेबाज ने। दिशा से थोड़ा भटके और वाइड बॉल का इशारा और बाई का चार रन, यानी कि टोटल पांच रन मिलते हुए थोड़ा दिशा से भटके यहां पर मुकेश यादव। मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति। हेमंत आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर। हेमंत सामना करेंगे विटोरी। सीधे ड्राइव कर दिया खिलाड़ी के पास, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर है, पर का इशारा चार रन। इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी। बहुत ही बढ़िया शॉट, मुकेश यादव मौजूद। हेमंत मात्र एक रन।
हेमंत सामना करेंगे विटोरी, पूरी बल्लेबाजी करनी होगी विटोरी को अंत तक, अगर निकल कर खेल दिया है लगान पर लगे खिलाड़ी राणा के द्वारा गेंद को फीड किया जाता, मात्र एक रन। हेमंत बहुत ही शानदार गेंद, हल्के से सिंगल चुराना चाह रहे थे लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर 39 रन 3 विकेट। फुल लेंथ की गेंद और बेहतरीन शॉट विटोरी का, रन लेना चाहते थे लेकिन इतने साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद था कि रन लेने में नाकाम रहे। शानदार फील्डिंग, बहुत ही शानदार गेंदबाजी राम विकास के द्वारा, अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का छठवां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे विटोरी। मानना चाहते थे और पैरों से टकराकर गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ, चार रन का इशारा आया है एम्पायर नमन के द्वारा, रन आने चाहिए, कैसे भी आने चाहिए, रन यहां पर आने चाहिए। राम विकास विटोरी के लिए खेलना चाहते थे कवर्स पर लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ जितना वो चाह रहे थे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, रन आउट का चांस हो सकता है और यहां पर थर्ड अंपायर को रिफर किया गया, अगर यह विकेट यहां पर प्राप्त हो जाता तो निश्चित तौर पर खतरा 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 खतरा, पूरी तरह बैकफुट पर यहां पर चली जाएगी टीम बीबीएस, क्योंकि विटोरी पूरी तरह से तो नहीं लेकिन 70% लय में दिख रहे थे, शॉट सिलेक्शन अच्छा था उनका। डिसीजन पेंडिंग, तो यहां पर नॉट आउट का इशारा आया है एम्पायर थर्ड एम्पायर कुणाल की तरफ से, gpantindia.com gpantindia.com gpantindia.com। बैट का बाहरी किनारा, हल्की सी अपील,
गेंदबाज पर। तो हेमंत आए हैं विटोरी के लिए। फुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव किया है खिलाड़ी, वहां पर मौजूद अरबी फील्डिंग, किसी तरह गिरते पड़ते बाउंड्री लाइन के अंदर ही गेंद को फील्ड किया, एक रन पूरा किया और दो रन भी आसानी से पूरा किया। और वहां पर मिस फील्डिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा, चार रन। हेमंत अजीत यादव के लिए, पॉइंट पर खेल दिया है खिलाड़ी मुकेश यादव, मौजूद मात्र एक रन, मनोहर, क्या मनोहर जैसा काम कर पाएंगे या नहीं ये देखना होगा। हेमंत हल्के से खेल भर दिया है, रनआउट का चांस हो सकता था अगर एक बार में कलेक्ट करते कैफ, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी आसानी से अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। gpantindia.com ऑनलाइन गेमिंग ऐप। हेमंत अगेन, छोटी गेंद थी, मारना चाहते थे पुल, रन आउट का चांस, थोड़ी सी और थ्रो बाय का एक रन मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति। मात्र एक रन, गेंदबाज बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे मनोहर, हल्की सी अपील
और विकेट का पतन, मनोहर जैसा काम तो नहीं कर पाए, बहुत बड़ा विकेट, मनोहर के रूप में एक और 440 ओड का झटका, 16 गेंद 36 रन। और अभी अभी सूचना मिली है कि पंतनगर उत्तराखंड से माननीय हमारे चाचा जी रविन्द्रनाथ शुक्ला जी ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, हम उनका अपनी कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए हल्की सी अपील, लेकिन थोड़ा दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा आया है एम्पायर नमन के द्वारा और वन बाउंस का इशारा भी। और ये गेंद उठा दिया है और सीधे बाहर मार बैठे हैं और एम्पायर का इशारा नो बॉल। एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य, एम्पायर का इशारा नो बॉल, एम्पायर से बहस ना करें, एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य। एक अनुभवी एम्पायर है, कम से कम 5,000 मैचों का अनुभव। jeepantindia.com ऑनलाइन गेमिंग ऐप jeepantindia.com। जितनी भी तारीफ करें इस ऐप की उतनी कम। उतना अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ जितना वो चाह रहे थे, लेकिन इतना हुआ कि एक रन में तब्दील कर सके। मुलायम तब तक गेंद को फील्ड करें, मात्र एक रन। राम विकास सामना करेंगे अजीत यादव, छोटी गेंद थी, खेल दिया है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर देखने को मिला है सैफ के द्वारा, बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण, ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं उनके कप्तान उनसे। बहुत ही खराब, ऐसी उम्मीद नहीं थी 47 नंबर जर्सी के साथ। राम विकास फुल लेंथ की गेंद थी, ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑफ बॉल लगे खिलाड़ी के द्वारा, गेंद को फील्ड किया जाता, मात्र एक रन। 7.5 ओवर की समाप्ति पर 62 रन और 5 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर टीम बीबीएस। मात्र इस ओवर की अंतिम गेंद शेष, राम विकास बॉलिंग रन अप तैयार और सामना करेंगे आरिस खान। आरिस खान बढ़िया ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन मिस फील्डिंग, एक और चौका, कैफ, ऐसी उम्मीद नहीं थी उनके कप्तान को उनसे, खराब क्षेत्र रक्षण, पकड़ना चाहिए था। आठ ओवर की समाप्ति पर 66 रन, 5 विकेट के नुकसान पर
छोटी गेंद थी, मारना चाह रहे थे, रन आउट का चांस हो सकता था अगर बैकअप पर कोई खिलाड़ी होता तो। आसानी से दोनों खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। मुलायम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, और यहां पर सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया है विकेट का पतन। एक और बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। 8 ओवर 66 रन, दस गेंदों पर 23 रन। दस गेंदे 23 रन, ये विकेट न निकलता तो निश्चित तौर पर काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच सकता था। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, दोनों बल्लेबाजों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। 10 गेंद 23 रन, मुलायम सामना करेंगे सतीश पासवान। ये खेल दिया है बैट का बाहरी किनारा थर्ड मैन एरिया की तरफ, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, दोनों खिलाड़ियों को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का इशारा चारण, बहुत ही क्रूजर टाइम पर यह चौका लगाया है। जितनी भी तारीफ की जाए बल्लेबाज सतीश पासवान की उतनी कम। सतीश पासवान ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी अगर जीतना है तो। ये गेंद थोड़ा सा दिशा से भटके, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, खराब गेंदबाजी मुलायम की, ऐसी उम्मीद इनसे नहीं थी। और अब मैच धीरे धीरे रोमांचक मोड़ पर पहुंचता हुआ। 9 गेंदों 18 रन, वेरिएशन भरी गेंदबाजी, गजब की वापसी होती हुई यहां पर मुलायम की। एक और डॉट बॉल, 8 गेंदे 18 रन, निकल कर खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद और बढ़िया फील्डिंग वहां पर कही जाएगी। और क्या बाउंड्री लाइन के अंदर ही फील्ड किया गया, तब तक आसानी से दो रन अपनी टीम के लिए बचाए। नाम है राणा, 18 नंबर जर्सी के साथ, गजब की फील्डिंग। ऐसे मौके पर ऐसी फील्डिंग की आवश्यकता होती है और वो करके भी दिखाया राणा ने। सराहना करनी होगी इस फील्डर की। मुलायम सतीश पासवान, ये गेंद उठा दिया है खिलाड़ी उसके नीचे और आसानी से लपक बैठे वहां पर मुकेश यादव। एक और विकेट का पतन। इन ऐसे मौकों पर अगर आप ऐसे शॉट खेलेंगे तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक और बड़ा झटका, ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 74 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर टीम BBS। और दर्शकों के लिए हमें सूचना बता दें कि हमारे कमेटी के सदस्य आपके ही पास कुछ समय बाद पहुंचेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे। अगर वो प्रिडिक्शन सही होता है तो आपको मिलेगा gpandidia.com की तरफ से आकर्षक उपहार।
तो अभी अभी सूचना मिली है कि जूनियर आफ्ताब जीओपी रूम से लाइव प्रसारण यहां पर देख रहे हैं। सॉरी, लाइव प्रसारण यहां पर डायरेक्ट कर रहे हैं छोटे आफ्ताब भाई साहब। हेमंत आए हैं अपने कोटे का अंतिम मोहर लेकर, पारी का दसवां यानी कि अंतिम मोहर लेकर। पांच गेंद 16 रन। ये खेल दिया है, सीधा मार बैठे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर का इशारा आउट। बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा, एक और विकेट का पतन। कहीं ना कहीं चिंताएं झलकती हुई बीबीएस टीम की, चिंता की लकीरें साफ झलकती हुई। हेमंत बॉली रनअप पर तैयार, मनीष यादव आए हैं नए बैट्समैन के रूप में। सीधा खेल दिया और सीधा बाहर मार बैठे, एक और विकेट का पतन। 9वें विकेट का पतन। इसी के साथ और यहां पर विजय हासिल करती हुई डायमंड की टीम। जितनी भी तारीफ करे बल्लेबाज मुकेश यादव की, उतनी कम क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी। छब्बीस गेंदों पर 50 रन की नाबाद पारी खेली थी, 9 बेहतरीन चौके। नेक्स्ट टीम तैयार है,